हेलो फ्रेंड, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेनर डायोड। जेनर डायोड जो होता है वो कैसे काम करता है और इसका यूज जो होता है वो कहाँ होता है, इसको हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है, और कैसे कंफर्म करेंगे कि बोर्ड में जो है ये कौन कौन से जगह पर लगा होता है, ठीक है, और कैसे इसको यूज में लाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है जेनर डायोड के बारे में अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो जेनर डायोड जो होता है वो इस टाइप का दिखता है, जो बोर्ड में लगा होता है। समडी टाइप के भी डायोड आते हैं और ज़्यादातर जो है ये कांच का बना होता है। कांच मतलब जैसे सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन से बना होता है और उसकी बॉडी जो होती है वो ज़्यादातर जो है कांच की ग्लास की होती है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो डायोड होता है जेनर डायोड, इसमें क्या होता है कि एनोड और कैथोड होता है। और एनोड और कैथोड कौन सा होता है, ये लाइन वाला जो एरिया है ये होता है आपका कैथोड, और ये जो बॉडी वाला एरिया जो है होता वो एनोड होता है। इसमें आप देख सकते हैं जो लाइन वाला एरिया है ये जो है कैथोड है और ये बॉडी वाला एरिया जो है वो एनोड पॉइंट होता है। इसमें भी ऐसा ही ये लाइन है, तो ये कैथोड हो गया, ये बॉडी वाली एनोड हो गया। इसमें भी आप लाइन देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डायोड है ये जेनर डायोड होता है, ठीक है। और ये डायोड कैसे काम करता है, जेनर डायोड समझने से पहले हमें नॉर्मल डायोड के बारे में जानना होगा कि नॉर्मल डायोड जो होता है वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल डायोड के बारे में। जो नॉर्मल डायोड होता है उसमें आपको पता होगा कि नॉर्मल जो डायोड होता है उसमें एनोड और कैथोड होता है, ठीक है। एनोड मतलब होता है पॉजिटिव, कैथोड मतलब होता है निगेटिव। आप यहाँ सिंबल देख सकते हैं, एनोड ये पॉजिटिव होता है और कैथोड जो होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है। और ये कैसे काम करता है, कोई भी डायोड हो, चाहे वो रेक्टिफायर डायोड हो, सेमीकंडक्टर डायोड हो, जेनर डायोड हो, एलईडी डायोड हो, ये हर एक जो डायोड होता है इसमें ये दो तरीके से काम करता है, चाहे वो फॉरवर्ड बायसिंग हो या रिवर्स बायसिंग हो, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायसिंग जो होता है वो कैसे काम होता है, जैसे कि नॉर्मल डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड बायसिंग करता है, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो डायोड में ये पी मतलब पॉजिटिव पिन है और ये निगेटिव पिन है, ठीक है। और ये बीच में इसका जंक्शन है, ठीक है, और ये फॉरवर्ड बायसिंग में काम कर रहा है। ये जो डायोड है इसको हमने एक बैटरी से पॉजिटिव पॉइंट मतलब इसका पी वाला जो पॉइंट है, ये देखिए पी और एन, ये जंक्शन, ये जो पी एन जंक्शन है मतलब इन दोनों के बीच का जो है एरिया को, ये पॉजिटिव और निगेटिव के बीच को एरिया को जो होता है बोलते हैं हम जंक्शन, ठीक है। जो बैटरी से हमने पॉजिटिव सप्लाई एनोड पॉइंट को दिया है और बैटरी से निगेटिव पॉइंट कैथोड पॉइंट को देता है, ठीक है। ये जो पॉजिटिव सप्लाई है इसको बोलते हैं होल्स, और ये जो नेगेटिव सप्लाई है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है कि जब एनोड पॉइंट को पॉजिटिव देते हैं और कैथोड को नेगेटिव देते हैं तो ये डायोड ऑन होता है, और ऑन होने के बाद जो है ये करंट को पास करता है, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग बहुत सिंपल है, एनोड पॉइंट को पॉजिटिव और कैथोड पॉइंट को नेगेटिव सप्लाई देने के बाद ये डायोड ऑन होता है और उसके बाद से ये करंट को पास करता है, ठीक है। और पास कैसे करता है आप देख सकते हैं, इसके बीच में जो ये होल्स जो होते हैं पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे इकट्ठा होने लगता है, उसके बाद से निगेटिव सप्लाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इकट्ठा होने लगता है, और एक समय ऐसा आता है कि ये दोनों आपस में आकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे के पास आते हैं और टकराते हैं, जिससे कि ये जो लेयर होता है ना इसको बोलते हैं डिप्लेक्शन लेयर, ठीक है। ये लेयर जो होता है जिसको जंक्शन बोलते हैं, ये लेयर टूट जाता है, मतलब इसका जो रजिस्टेंस है वो जीरो हो जाता है, और जब इसका रजिस्टेंस जीरो हो जाता है तो ये आपस में मिल जाते हैं, उसके बाद से जो है वो करंट जो है फ्लो होने लगता है, और करंट जो है पॉजिटिव टू निगेटिव की तरफ जो है करंट फ्लो होने लगता है। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग है, तो नॉर्मल डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग काम करता है। उसके बाद से रिवर्स जो बायसिंग क्या होता है, जो हमारा जेनर डायोड है जिसके बारे में हमें पढ़ना है और देखना है, तो वो जो डायोड होता है वो ऑलवेज जो है रिवर्स बायस पे ही काम करता है। रिवर्स बायसिंग क्या होती है कि एनोड पॉइंट को निगेटिव सप्लाई और कैथोड पॉइंट को पॉजिटिव सप्लाई से जुड़ा गया है, मतलब जहाँ पे भी जेनर डायोड लगा होगा वहाँ पे आप देखेंगे सर्किट में, आप चेक कर सकते हैं कि जो डायोड होगा उसमें एनोड पॉइंट को निगेटिव सप्लाई और कैथोड पॉइंट को पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ा जाता है, जिससे कि उसके बाद से जो ये डायोड जो है ये अपना काम करता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप यहाँ देख सकते हैं कि दो बायसिंग होती है, रिवर्स और फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को निगेटिव, और रिवर्स में जो होता है एनोड को निगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव, ठीक है। इसी बेस पे हमारा जो डायोड काम करता है। अभी ये काम कैसे करता है, यहाँ देखिए, जैसे कि एक हमने यहाँ पे जेनर डायोड लगाया है
और ये जो वोल्टेज जेनर डायोड का जो मेन वर्क होता है वो वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब ये होता है कि अगर पीछे से जो हमारी सप्लाई, जैसे किसी भी सर्किट, चाहे मोबाइल का चार्जर हो या लैपटॉप का सर्किट हो या मोबाइल हो या SMPS हो, UPS हो, TV हो, मॉनिटर हो, LED हो, जिसके अंदर जो आउटपुट जो सर्किट होता है, जेनर डायोड का मेन जो वर्क होता है वो आउटपुट सर्किट, मतलब DC वोल्टेज के अंदर जो आउटपुट सर्किट होता है वहाँ पे ये डायोड लगा होता है फिक्स वोल्टेज आउट करने के लिए, मतलब एक रेगुलेट करके, मतलब एक फिक्स वोल्टेज आउट करने के लिए होता है। रेगुलेट का मतलब ये होता है जैसे कि पीछे सप्लाई जैसे 10 वोल्ट आ रही है और हमें आगे 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, ठीक है। तो 5 वोल्ट सप्लाई रेगुलेट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक जेनर डायोड लगाना पड़ेगा, तो वहाँ पे वो 5 वोल्ट की सप्लाई हो जाएगी। या पीछे सप्लाई जो है 5 वोल्ट आ रहा है मगर वो 5 वोल्ट जो है कभी चेंज हो रहा है, अनरेगुलेटेड वोल्टेज है, तो उसको रेगुलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए जैसे 5 वोल्ट की सप्लाई है कभी 6 हो जा रहा है, कभी 4.5 हो जा रहा है, कभी 5.5 हो जा रहा है, वोल्टेज जो है चेंज हो रहा है, मतलब फिक्स नहीं हो रहा है, तो उसके आगे हम एक डायोड लगा देंगे उतना ही वोल्ट का। जैसे 5 वोल्ट हमें सप्लाई इनपुट आ रहा है वो फिक्स नहीं हो रहा, 5 या 6 वोल्ट हो रहा है या 7 वोल्ट हो रहा है वो फिक्स नहीं हो रहा, तो उतने वोल्ट का हम जेनर डायोड लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जेनर डायोड लगाया, तो वो क्या करेगा कि उतना ही वोल्टेज, फिक्स वोल्टेज जो है जितने वोल्ट का जेनर डायोड लगा होगा उतना ही वोल्टेज जो है आउटपुट में आउट करेगा। जैसे आप यहाँ पे एक सर्किट के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे 15 वोल्ट की सप्लाई दिया, ठीक है, और यहाँ पे 15 वोल्ट की सप्लाई जब यहाँ पे हम एक रजिस्टर के थ्रू ये डायोड पर देते हैं, ठीक है, और डायोड पर देने के बाद जो है हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है वो 5 वोल्टेज है, तो ये कैसे ये 15 वोल्ट को ये 5 में रेगुलेट कर रहा है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जब वोल्टेज जो हम देते हैं इनपुट में, तो इनपुट वोल्टेज देते हैं तो धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ता है, और बढ़ने के बाद जो है वो डायोड पे जाता है रजिस्टर के थ्रू, जो है डायोड के जो है कैथोड पॉइंट पे जाता है, और कैथोड पॉइंट पे जाने के बाद से जो है डायोड जो है नॉर्मली जो है वो नॉर्मली काम करता है। इसका जो पॉजिटिव पिन जो होता है, मतलब इसका जो एनोड वाला जो पिन होता है वो निगेटिव से कनेक्ट होता है, ठीक है, और ये सप्लाई धीरे धीरे जब बढ़ता है तो ये रजिस्टर से होते हुए सप्लाई जो है इसके कैथोड पिन पे आता है, और कैथोड पिन पे आते आते जब 5 वोल्ट हमें आगे चाहिए, 5 वोल्ट से जब ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो डायोड है 5 वोल्ट का है, 5 वोल्ट से जब ज़्यादा होता है तो इसके अंदर जो जंक्शन होता है, जो डायोड के अंदर जो रिवर्स बेस में जो जंक्शन होता है, अंदर जो डायोड के अंदर एनोड और कैथोड के बीच में जो जंक्शन होता है वो 5 वोल्ट से ज़्यादा आते ही, क्योंकि ये 5 वोल्ट का डायोड है, और 5 वोल्ट से ज़्यादा आते ही ये जो डायोड होता है, ये डायोड जो होता है ये क्या हो जाता है कि ओपन हो जाता है, मतलब एक तरह का जो है ये बहुत ही ज़्यादा करंट को फ्लो करने लगता है, और जो भी करंट को फ्लो करता है वो करंट जो है वो इधर से कैथोड से होते हुए एनोड से होते हुए निगेटिव, एनोड से कैथोड से होते हुए आउट होकर निगेटिव में पास हो जाता है, और आउटपुट में हमें वोल्टेज जो है फिक्स जो है 5 वोल्ट रेगुलेट करके आगे मिलता है। 5 वोल्ट से ज़्यादा होते ही ये डायोड जो होता है ये हाई फ्रिक्वेंसी, मतलब एकदम से जो है ये हाई करंट पास करने लगता है, और ये ऑन होके हाई करंट को जो है, मतलब हाई वोल्टेज जो होती है, हाई वोल्टेज हाई करंट जो होता है उसको ये फ्लो करके ये निगेटिव कर देता है, और यहाँ पे क्योंकि ये 5 वोल्ट का है तो ये 5 वोल्ट ही यहाँ पे रेगुलेट करके आगे देता है। अगर हम बात करें ये 10 वोल्ट का होता है तो पीछे से इधर से जो सप्लाई आती है धीरे धीरे, अगर तो हम 15 वोल्ट है, 10 से 11 12 हुआ, तो यहाँ पे जब 10 वोल्टेज आएगा तो ये 10 वोल्ट को रेगुलेट करके आगे करेगा, अगर उससे जब एक्स्ट्रा वोल्टेज जो आएगा उसको ये क्या कर देगा, एनोड से वो आउट कर देगा आगे, ठीक है। तो इसलिए आप देखते होंगे, या आप अगर कोई भी आप मोबाइल के चार्जर या कोई भी आउटपुट सर्किट में देखते हैं तो ज़्यादातर जो है वो जेनर डायोड लगा होता है, वो इसलिए लगा होता है कि अगर पीछे से वोल्टेज अगर ज़्यादा आ रही है या अनरेगुलेटेड आ रही है, मतलब वो फिक्स नहीं हो रहा, पीछे सप्लाई चेंजिंग हो रही है, कुछ अलग वोल्टेज आ रहा है, जैसे 12 वोल्ट है कभी 13 या 14 15 वोल्ट हो जा रहा है, तो उस वोल्टेज को फिक्स करने के लिए ही जेनर डायोड लगा होता है। और जितना हमें वोल्टेज आउट करना है, मतलब आउट कराना है, जैसे कि अगर हमें 5 वोल्ट आउट कराना है तो 5 वोल्ट का डायोड लगाएंगे, अगर 20 वोल्ट आउट कराना है और पीछे से 20 या 25 वोल्ट जा रहा है तो ये जो है 20 वोल्ट का अगर डायोड लगेंगे तो ये 20 वोल्ट ही आगे आउट करेगा, और जो भी सप्लाई होगा ये क्या होगा, कैथोड से एनोड से जो है ये आगे आउट, मतलब निगेटिव कर देगा, ठीक है। तो जेनर डायोड जो है बेसिकली जो है वो रेगुलेट करने का काम होता है, मतलब इसका काम जो होता है वो सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए लगा होता है।
आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग सर्किट के अंदर जो है डायोड लगा होता है। उसके बाद से अगर बात करें तो ये जो डायोड होता है इसमें आप देख सकते हैं नॉर्मली जो डायोड के ये जो सिंबल होता है ये एनोड और ये कैथोड है, और ये जहाँ पे इस टाइप का आपको सिंबल दिखाई देगा वो जो है वो जेनर डायोड का ही सिंबल है, जिसमें आप ये जेड टाइप के उल्टा जेड टाइप का जो है ये आपका एरो जो है ये आपको दिखाई देगा। तो ये जो है जेनर डायोड का ही सिंबल होता है और ज़्यादातर 90% बोर्ड के अंदर आपको कांच का ही बना होगा, ठीक है, और आउटपुट सर्किट के अंदर लगा होता है और ये एक तरह का रिवर्स बेस डायोड है और आउटपुट सर्किट के अंदर फिक्स वोल्टेज मतलब रेगुलेट करने के लिए इसको मतलब इसका यूज होता है। जितना हमें वोल्टेज आउटपुट में चाहिए उतना ही बिल्कुल फिक्स करेगा और उतना वोल्टेज का ही आपको डायोड अगर आप कहीं लगाते हैं तो उतना ही वोल्टेज का अगर आप डायोड लगाते हैं तो उतना फिक्स वोल्टेज वो आउट करेगा। पीछे सप्लाई वो कितना भी आ रहा हो, ठीक है, वो रजिस्टर के थ्रू डायोड पे आते ही वो जितना वोल्ट का डायोड होगा उतना ही वोल्टेज आगे आउटपुट में आउट करेगा और आउटपुट का जो सर्किट होगा वो ऑन होगा, ठीक है। तो ये रेगुलेट करने के लिए लगा होता है ज़्यादातर जितने भी सर्किट में लगे होते हैं सर जो जेनर डायोड होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। ओके, थैंक यू।